हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल वीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे, चाहे वो बोर्ड वाले बच्चे हों चाहे वो नीट वाले बच्चे हों। सो आज मैं आप लोग सोचे होंगे कि मैंने इतना बड़ा बड़ा एम्स क्यों लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ है, अभी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपके साथ में क्या शेयर किया था, दैट इज अ 7 मंथ स्ट्रेटजी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फटाफट से उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाए कि मुझे भाई क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मुझे मेरी तैयारी में 50% काम, तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद में आपका हो जाएगा कि भाई मुझे इस बात में इस तरह से तैयारी करनी है। अब यहाँ पे मैंने एम्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किन चीजों को अगर आप फॉलो करें ना तो ये आपका डेस्टिनेशन बन सकता है, यानी कि हर बच्चे का जो सपना होता है ना एम्स में जाकर के पढ़ाई करने का, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि बच्चों को जनरली चीजें नहीं पता होती हैं कि हमें क्या चीजें, सब कोई बताता है कि आपको ये करना चाहिए, इस चीज को ऐसे करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों चीजें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें करनी चाहिए तो उसका क्या बेनिफिट है, बेसिकली वो सारी चीजें मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है ना कि हमारे पास में दो टाइप के बच्चे होते हैं। दो टाइप के बच्चों से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे एक बच्चा होता है जो बहुत ही डेडिकेटेड होता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, यानी कि दिन रात ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहा होता है। तो ऐसा बच्चा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना कि भाई पूरी अच्छे से हार्ड वर्क कर रहा है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, जितना लोग 5 घंटे पढ़ रहे हैं वो डेली 10-11 घंटे पढ़ाई कर रहा है। बट एक दूसरा बच्चा होता है जो मॉडरेट होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो मॉडरेट है, हार्ड वर्किंग भी है, बट वो एक चीज और कर रहा है, वो स्मार्ट वे में अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहा है, यानी कि वो एक बैलेंस बना के चल रहा है। अब वो बैलेंस क्या है भाई, ये भी पूरी बात बताऊंगी। तो अब आप सोचो, अच्छा मुझे सोच के बताओ कि इनमें से किसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको जो परसेंटेज मिलेगा कि भाई किस टाइप के बच्चे ज्यादा थे, तो बेटा उसमें जो आप सोचे होंगे कि हार्ड वर्किंग वाला ज्यादा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे मॉडरेट हार्ड वर्किंग बट जो स्मार्ट वे में बच्चा काम कर रहा था, वो बच्चों का नंबर हमारा वहां पे हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्या स्मार्ट वर्क उसने किया, आज इस वीडियो में सारा मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो बेटा जी ये जान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट वर्क से क्या मतलब है। देखो पढ़ना तो हर किसी को पता है कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, मुझे इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस चैप्टर में मुझे क्या ज्यादा पढ़ना है और इस चैप्टर में मुझे क्या कम पढ़ना है। अगर जिस दिन आप ये जान लेंगे कि इस चैप्टर में मुझे इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और उस चीज को कैसे जाना जाएगा कि किस चीज में ज्यादा फोकस करना है, अगर आपको ये बात पता चल जाएगी ना, ये सीक्रेट अगर आप जान लेंगे तो बेटा जी आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो स्मार्ट वर्क का यहाँ पे बेटा मतलब है कि आप पढ़ तो रहे हैं चैप्टर, ठीक, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक। आपने चैप्टर, आपको टाइम मिला, बहुत मजा आता है, बुक से पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, मॉड्यूल से पढ़ लिया, ठीक है, इन सबसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ है ना दिमाग ही नहीं लगा रहे कि क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। वहाँ एग्जाम में क्या है, आपको थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है, वहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वहाँ पे तो क्वेश्चंस देखोगे कि आपको क्या क्वेश्चंस है, वहाँ पे जाकर के आपको पढ़ाना नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको टिक करके आना है ना। तो इसलिए जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे, आप PYQs नहीं देखोगे, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर में से क्या चीजें आने वाली हैं, उस चैप्टर के किस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो हर चैप्टर में क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है, एक होती है जो आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एंड इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों तक पहुंचने के लिए कुछ नॉर्मल सी चीजें भी पहले बताई जाती हैं, फिर उनको कनेक्ट करके बताया जाता है। अब आप अगर यही नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि भाई नॉर्मल वाले पे हमें टाइम ज्यादा देना चाहिए कि इस पे देना चाहिए, तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है टू रीच हियर, इसलिए आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, यानी कि आपको क्वेश्चंस में आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें आपको 35 इयर्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आपके पास में रेफरेंस बुक अभी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैसे तो करना चाहिए हर बच्चे को, तो भी आप जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना आप लोगों की, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कोचिंग की देखिए, उसमें आपको एटलीस्ट बायो के 100 questions, फिजिक्स के पर डे एटलीस्ट 30-40 questions आपको करने हैं, केमिस्ट्री के पर डे आपको 40-50 questions करने ही करने हैं। बायो के 100 इसलिए दिए क्योंकि ये फटाफट से हो जाते हैं, ठीक, 30 एंड 40 questions, 30 भी अगर आप कर ले रहे हैं ना
तो बहुत है आपके लिए। 40-50 क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री के कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये रैंडमली नहीं करने हैं। जो चीज़ आप पढ़ रहे थे, जो आप सुबह से पढ़ाई करी, जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो चैप्टर आपने पढ़ा, आपको उसके बेसिस पे ही वो क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि आपको वो चैप्टर कितना आ गया है, आपको अपनी रियल वैल्यू पता चल जाएगी कि इस चैप्टर को मुझे आ गया है वाकई या नहीं आया है। आपको वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि भाई क्वेश्चन तो ये आ रहा है, मैंने क्या पढ़ा, मैंने तो ये पढ़ा, तो आप उस चीज को फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डेली इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आदत डालनी है। ये चीज अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक, अभी आपके पास में 7-8 महीने हैं। अगर आपने इसको अपनी हैबिट बना ली ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वहां पे पेपर करना। इसके क्या क्या फायदे हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है लेकिन उसके साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आप किसी दिन बाई चांस आप किसी कारणवश नया कुछ नहीं पढ़ पाए तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा कि आपने उस दिन क्वेश्चंस कर लिए तो एटलीस्ट आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। तो इसलिए इसको अपनी हैबिट बना लो बेटा। अगर इसको आपने अपनी हैबिट बना ली ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जो बच्चा जब क्वेश्चन करता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी हम एग्जाम जब देते हैं तो हमें वो टॉपिक नहीं याद आ रहा होता लेकिन हमें ये ध्यान आ रहा होता है कि हमने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, अच्छा वो क्वेश्चन था उसने इस तरह से किया होता। ये ठीक हो गया, आपको पता चल गया कि क्वेश्चन करना है तो आपको किस हिसाब से करना है, आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या आप जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ रहे थे, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे उसके बेस्ड आपने ये क्वेश्चन कर लिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलरिटी मेंटेन करना, यानी कि आपको रेगुलर रहना है। भले ही आप किसी दिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण से भी, तो भी आपको यह ध्यान रखना है कि भाई मैं क्वेश्चन तो जरूर करूंगा, भले ही मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, मैंने रिवाइज नहीं किया, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर छोड़ूंगा। तो आप क्वेश्चन अगर इस तरह से करते रहेंगे डेली तो आपकी हैबिट हो जाएगी, और अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपको बिल्कुल नया कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, एंड क्वेश्चन करने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उन्हें चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने वो क्वेश्चन करे और छोड़ दिए, क्वेश्चन को चेक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन चेक करेंगे ना तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक आपको आता था तो आपने उसके बेस पर ये क्वेश्चन कर दिया। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आए, ठीक, कितने ऐसे थे जिनमें आपने गैस करके करा, तो ये चीज़ें जब आप चेक करेंगे ना तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आप जो गलतियां पहले कर रहे थे वही गलतियां आप अभी भी कंटिन्यू रखेंगे, उन्हीं गलतियों को आप बार बार दोहराते रहेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन करिए और साथ ही साथ में सेम डे ही उनको चेक भी करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब आप चेक करेंगे ना तो आपको साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे थे आंसर, वो रॉन्ग क्यों हुए, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी कि भाई क्यों। एक तो चीज़ हो गई कि भाई ये चीज़ मुझे आती नहीं थी इसलिए रॉन्ग हो गई, तो आपने उस चीज़ को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि ये आंसर है। दूसरा, जो आपने गेस करके किया था तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में तो कुछ और कॉन्सेप्ट था लेकिन एक्चुअल में आंसर कुछ और कह रहा है, यानी कि वो गलत क्यों हुआ, तो आप उस रीज़न को फाइंड आउट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको वो रीज़न पता चल जाएगा तो वो आपका हमेशा के लिए सही हो जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होगा, स्पीड का। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी आदत में आ जाएगा, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे आपको 1 मिनट ही मिलता है नए क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट है। तो जो डिफिकल्ट चीज़ें उनको याद कर लीजिए, जो बड़े फॉर्मूले उनको याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेशन नहीं आना है, आपको डिराइव करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें किसी ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको नहीं आता है उसको सॉल्व करने में करें, बल्कि जो आपके लॉन्ग फॉर्मूले बेस्ड हैं या कोई ऐसा बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो उनको याद कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर सके, तो स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप अपने आंसर को फाइंड करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर आंसर रॉन्ग हुआ, उस आंसर को रॉन्ग होने की वजह को जब आप ढूंढेंगे ना तो आप उसके साथ में डेफिनेटली 4 नई चीज़ों को भी जानेंगे। आपको पता चलेगा कि अच्छा उसको सर्च करने में बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको पता चलेंगी जो कि आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो एक चीज़ को सीखने के चक्कर में आप और भी 2-3 चीज़ें नई डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं फिर उसके बाद में आपका वो क्वेश्चन हो गया
तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गया कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस वो गलत हो गया या आपने गेस करके किया या आपको किसी भी रीजन से वो नहीं आया, आपने उसको सर्च किया, उसका आंसर ढूंढा, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये पर्टिकुलर आंसर का कारण ये था। जब इतनी मेहनत आप उस पर करेंगे ना, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और वो आपको हेल्प करेगा जिस टाइम पे आप एग्जाम देंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को अगर चाहिए एम्स, तो डेफिनेटली अपनी हैबिट में ये बिल्कुल इंक्लूड कर लो अपनी पढ़ाई में कि डेली मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अब जिन बच्चों के पास में क्वेश्चंस नहीं है, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं डेली आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट जो मेरे देखते हैं रेगुलरली, आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्वेश्चंस आते हैं एंड वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं एंड अराउंड द कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी अराउंड द कॉन्सेप्ट। तो आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करिए बेटा, क्योंकि रेगुलरली मैं जब इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ कि डेली आपके लिए क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग उसको जरूर चेक करिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिलीव मी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, अराउंड द कॉन्सेप्ट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल टाइप के क्वेश्चंस और दूसरा होता है जो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये लाइन कहाँ दी हुई है एनसीईआरटी में, बताइए आप मुझे, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया होता है, उस कॉन्सेप्ट के अराउंड में जो आपकी नॉलेज है ना, उससे बेस्ड वो क्वेश्चन होता है। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन होगा ना एनसीईआरटी वाला, लाइन से जो होगा वो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा, जो अराउंड द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होगा ना, वो जो बच्चा अटेंड करेगा, जो बच्चा उसको करेक्ट करेगा ना, वो बच्चे की रैंक ज्यादा अच्छी होगी और वही बच्चा पहुंचता है एम्स पे। तो इसीलिए बेटा आपको एनसीईआरटी को तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि वो तो भाई मेन है, वो हर कोई कर रहा है, अगर वो नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो और मेन फोकस करना है वो है आपको अराउंड द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जिनको आपको फील होता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। और वो उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस मिलने लगेंगे कि ओ यस, ये क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्ट नहीं है, बट ये इस तरह से घुमा के इस तरह की चीज़ें भी पूछ सकता है। तो वो टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो अराउंड द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं, वो भी एनसीईआरटी को ही बिलोंग कर रहे थे। तो अब आई होप कि उन बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, आपने कम्युनिटी में दिया है हमें सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि अब आप लोग उन क्वेश्चंस को भी पूरी शिद्दत के साथ में अटेंड करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो डाउट्स क्लियर करती हूँ एंड आई होप कि अब आपके पास में ये स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस का नंबर आपको रेगुलरली करना ही करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तो चैनल में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।